अंजलि जी, अब सवाल तो ये मूल सवाल है, और ये क्या बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है? अब एक बात जो बब्बर जी ने कही वो ये कि एक तो डायरेक्ट कहा नहीं गया, कुछ राजनीतिक दल आ जाएंगे, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पिटीशन दाखिल किया आप लोगों ने भी, आम आदमी पार्टी को क्या आपत्ति हो रही है? बहुत से स्टेट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, आप प्रॉमिसेस करके आप पावर में आ जाते हैं, आपको सत्ता मिल जाती है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए वापस सेंटर के पास आते हैं। देखिए ऐसा है कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो कोर्ट में भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को देना वो हमारा कर्तव्य है। हमारा आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब वो जिएगा कैसे? क्या आप ये सोच सकती हैं कि किसी व्यक्ति को पानी ना मिले, किसी को खाना ना मिले, बिजली ना मिले, हेल्थ फैसिलिटीज ना मिले और वो जी पाएगा? हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी हमारी सरकारें हैं, हमें ये करना ही चाहिए, और हम कोई एहसान नहीं कर रहे। ये फ्री भी कहाँ से हो गए, मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं वो आम लोगों का ही टैक्स का पैसा है। अगर गरीब आदमी डायरेक्टली टैक्स नहीं देता तो इनडायरेक्टली टैक्स देता है। जब वो कोई चीज खरीदता है, चाहे वो माचिस की डिब्बी भी खरीदता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो अगर वो टैक्स उन तक वापस जा रहा है तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? ये फ्री भी इसे कहते हैं, लेकिन हम फ्री भी उसे कहते हैं जो ये अपने दोस्तों को देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपया जो है इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों का माफ कर दिया गया पिछले सालों में, 68,607 करोड़ वेव ऑफ कर दिया गया भगौड़ों का, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या का। 2 साल पिछले में जो इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स माफ किया उसका हर्जाना हो गया 1.84 करोड़ रुपया। ये होती है फ्रीबीज। DHFL जो है एक कंपनी, उसने 17 बैंकों से 42,817 करोड़ लोन दिया और साथ में 27 करोड़ फंड भी बीजेपी को दिया, और उसने जो है सारा पैसा गबन कर लिया। ये होती है फ्रीबीज। आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं देना ये हमारा फर्ज है, और आप क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप क्यों ये सब बातें कर रहे हैं। एक चीज बताइए, एक चीज बहुत शॉर्ट में, मैं एक बार फिर बाकियों से भी कमेंट लूंगी। अंजलि जी एक चीज मुझे बताइए, मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे कि फ्रीबीज को डिफाइन कैसे किया जाएगा। एक तो मुफ्त की रेवड़ी, रेवड़ी शब्द ही समझ से परे है, लेकिन फिर भी क्या केंद्र की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से ये कहा गया कि जो जनता को राशन मिल रहा है या मिड डे मील मिल रहा है ये बंद कर दिया जाएगा? कभी तो नहीं कहा गया। शिक्षा कोई आज से तो फ्री मिल नहीं रही है। जी बिल्कुल, अगर शिक्षा फ्री नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ चीजें छूट रही थी, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज पूरी नहीं जा रही थी, हॉस्पिटल्स में था लेकिन बहुत बड़ा गैप था देखिए, और उसकी वजह से हमको जो मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह बनाना पड़ा, और स्कूलों में जो शिक्षा तो दी जा रही थी लेकिन उसका लेवल बहुत खराब था, क्लासरूम्स बहुत खराब थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था, और जो टीचिंग का लेवल था वो बहुत खराब था। उसको पूरा करने के लिए जो है पैसा चाहिए था, वो फ्री भी नहीं हो सकते हैं। इस पर वो कहां पर लग गई, मैं ये समझना चाह रही हूँ। जब आप लोग तो हमारे ऐसी आपस में बात, फिर मुझे ये बताइए फिर हम कौन सी रेवड़ी दे रहे हैं? मुझे भी ये डेफिनेशन का मतलब चाहिए, कौन सी रेवड़ी दे रहे हैं? यही तो समझना है कि जन कल्याण रेवड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, वो जन कल्याणकारी नीतियों से परे है, क्योंकि कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट से हुई है। ठीक है अंजलि जी, मैं एक बार और बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं। वो अच्छी बात है, बनाए वो, ठीक है